नमस्कार दोस्तों वेलकम टू तो अवर यूट्यूब चैनल ओला लर्नर जैसा कि आपको पता है हम साइंस की सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम केमिस्ट्री बायो फिजिक्स एंड एनवायरनमेंट सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले तो आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा कि सेकंड पार्ट आने में बहुत ज़्यादा डिले हो गया है क्योंकि मेरा मैं ये सोच रहा था कि आपको डेली एक ही वीडियो मिलती जाएगी लेकिन सेकेंड पार्ट आने में ही वन वीक का टाइम लग गया वो इस वजह से हुआ कि अन अकेडमी पर थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैं सेकंड पार्ट नहीं डाल पाया लेकिन अब आपको सारे पार्ट्स दो या तीन दिन के गैप में सारे मिलते रहेंगे और हम सी आने से पहले सी आने से पहले पूरी साइंस क्लियर करेंगे विथ पैडागोजी ठीक है ना विथ पेडागोजी पूरी साइंस कंप्लीट करने वाले हैं और एक और बात बता दूं बहुत ही जल्दी आपको मैथ्स की क्लासेस भी मिलने वाली हैं और बहुत ही जल्दी आपको लाइव क्लासेस भी मिलने वाली हैं बस इसके लिए आपको चैनल को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा तो हमने फर्स्ट पार्ट में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कर लिए थे यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप जाके फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्ले में जाके भी देख सकते हैं आज हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड सोल्ट अम्ल छार और लवण इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा एंड में तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा तभी आपके लिए कुछ बेनिफिट मिलने वाला है दो मिनट तीन मिनट या सिर्फ पाँच मिनट की वीडियो देखने पर आपको भी समझ में नहीं आएगा कि चैप्टर में क्या था और क्या नहीं था और जो बच्चे जिनको लगता है कि एन का सीटेट में आता है तो बिल्कुल पूरा एन पर बेस्ड है ये जो भी टॉपिक मैं करा रहा हूँ एक भी पॉइंट आपको बाहर नहीं मिलेगा और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कि ये पढ़ने के बाद आपके सिलेबस से आउट हो जाए या फिर आप उस क्वेश्चन को डील नहीं कर पाओ सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लें कि अम्ल यानी कि एसिड होता क्या है एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द ऐसी से हुई है जिसका अर्थ होता है खट्टा ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाते हैं और अम्ल को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम एसिड बोलते हैं इन पदार्थों की रासायनिक प्रकृति कैसी होगी अम्लीय होगी उदाहरण आपका दही हो गया संतरा हो गया सरका हो गया या फिर इस तरह से जितने भी आपके मटेरियल हो जाते हैं जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने शो करे हैं विनेगर लेमन टोमेटो ग्रेप्स आपका मिल्क आंट आंट का याद रखना है आंट में होता है फॉर्मिक एसिड एप्पल एप्पल में होता है मैलिक एसिड तो ये कुछ आपको एसिड्स के नेम भी याद रखना होगा कौन कौन से एसिड्स के नेम याद रखना है यानी कि किस मटेरियल में या फिर किस ईडेबल फूड यानी खाने योग्य पदार्थ में कौन सा एसिड होता है वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे बढ़ जाते हैं छार की तरफ तो छार क्या होता है इनका स्वाद होता है कड़वा तथा तो स्पर्श करने पर ये साबुन जैसे चिकने प्रतीत होते हैं ये कुछ क्वालिटीज़ आपको याद रखना है कड़वे होते हैं और स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने प्रतीत होंगे और ये क्षारक कहलाएंगे इन पदार्थों की रासायनिक प्रकृति होती है छारिय उदाहरण चूने का पानी हो गया आपका साबुन हो गया जो अपमार्जक हो जाते हैं वो सभी और एग्जाम्पल्स के लिए आप देख सकते हो डिटर्जेंट बेकिंग सोडा ड्रेन क्लीनर अमोनिया सोप एंड एंटेसिड ये सारे होते हैं आपके बेसिकली बेस तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है इसके बाद अजा यहाँ से क्वेश्चन बनकर हमेशा आता है सीटेट में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलने वाला है कि किस पदार्थ में कौन सा एसिड रहेगा एसिटिक एसिड एसेट सिरका में रहेगा फार्मिक एसिड चीटी का डंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीटी का डंक वाला नींबू और संतरा में साइट्रिक एसिड एंड लेक्टिक एसिड दही ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है पालक में ऑक्जेलिक अम्ल मिलेगा आंवला में एस्कारिक और आ, कच्चे सॉरी कच्चे आम और अंगूर वाला क्वेश्चन आपका सीटेट में आ चुका है इसमें होता है टार्ट्रिक अम्ल जब ये कच्चे सॉरी अंगूर और कच्चे आम वाला आ चुका यानी कि और ये चीटी के डंक वाला भी आ चुका अब कौन सा आ सकता है हो सकता है अब सीट्रिक एसिड पूछ ले हो सकता है ऑक्जेलिक एसिड पूछ ले तो इस तरह से आपको याद करते हुए चलना है और जो आ चुके हैं उन्हें तो करना ही है इसके अलावा कुछ छार की बात कर लेते हैं छार मतलब होता है आपके बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको होता है चूने का पानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड मार्जक यानी कि खिड़की के खिड़की के कांच साफ़ करने वाला मारजक ठीक है खिड़की के कहाँ साफ करने वाला आप मारजक बोल सकते हो आप ठीक है इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये होते हैं साबुन में मैग्नीज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये होता है आपका दूधियम मैग्नीशियम, जिसे हम एंटी एसिड के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं इसके बारे में हम वीडियो के आगे डिस्कस करने वाले हैं आगे बात करते हैं आगे आ जाते हैं, आ जाते हैं आपके इंडिकेटर यानी कि सूचक पदार्थों की अम्लीयता और क्षारता का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिन्हें आप सूचक कहते हैं सूचक मतलब क्या होता है इंडिकेटर यूज देखो एक बात याद रखना हम हमेशा ये समझते हैं सूचक मतलब क्या लिटमस ठीक है लेकिन सूचक मतलब लिटमस नहीं होता इंडिकेटर मतलब कुछ एक क्वालिटी को इंडिकेट करने वाला एक ऐसा पदार्थ है जो किसी को इंडिकेट करेगा यानी किसी पदार्थ की कि या तो अम्लीयता बताएगा या फिर छारियता बताएगा यानी कि उसका नेचर एसिडिक है या फिर बेसिक है तो इसके लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का यूज़ किया जाता है जिन्हें हम सूचक कहते हैं ये आपका लिटमस हो सकता है हल्दी हो सकता है गुड़हल की पंखुड़ियाँ हो सकता है एंड एटसेट्रा यानी और भी होते हैं इनके अलावा कुछ दो तीन तरह के और होते हैं इन्हें भी हम डिस्कस करने वाले हैं लिटमस को आप सभी जानते ही हो एंड हल्दी भी आप सभी लोग जानते हो किस तरह से होते हैं अब इनका यूज़ किस तरह से किया जाता है कहाँ से मिलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे लिटमस की यदि बात करें तो इसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लाइकेन आपको पता होना चाहिए एक सहजीवी होता है जो कि आपका कवक और आ, कवक और सेवाल का सेजीवी लाइकेन होता है इसके बारे में डिटेल डिस्कशन जो रहेगा वो हमारा बायो की क्लासेस में रहेगा जब इसे अम्लीय विलियन में मिलाया जाता है तो यह लाल रंग का हो जाता है और जब इसे क्षारीय विलियन में मिलाया जाता है तब यह नीला रंग का हो जाता है यानी कि यह आपका लाइकियन हो गया आप देख सकते हो इस तरह का ट्री होता है ये रेड एंड ब्लू कलर के इससे लिटमस पेपर मिलते हैं आपने अम्ल लिया ठीक है अम्ल अम्ल को आपने किस में डाला लिटमस के सॉल्यूशन में डाला तो लिटमस सॉल्यूशन आपका क्या हो जाता है लाल हो जाता है इसके लिए हम कैसा लिटमस यूज करते हैं नीला लिटमस यूज करते हैं कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल करता है कभी कन्फ्यूजन एक सिंपल सा वर्ड याद रखो अनिल अनिल वर्ड याद है मुझे आज से हो जाता है अम्ल ना से हो जाता है नीला और तो लाल से हो जाता है लाल तो अनिल यानी कि अम्ल करेगा नीले को लाल तो फिर छार क्या करेगा छार उल्टा ही करेगा लाल को नीला कर देगा ठीक है ना बात आगे बढ़ते हैं अब आता है आपका हल्दी हल्दी का किस तरह से यूज़ किया जाता है हल्दी का पेस्ट छार से क्रिया करने पर लाल रंग का लाल रंग देता है जबकि अम्ल से कोई क्रिया नहीं करता यानी कि ये ओनली आपके वेस्ट से ही क्लियर करेगा और लाल रंग देगा एग्जाम्पल यदि आपको प्रैक्टिकल करना हो तो हल्दी के दाग वाले कपड़ों को आप साबुन से धोकर देखो वो जो दाग है ना वो आपका लाल रंग का पड़ जाएगा तो हल्दी क्या होता है छाड़ से क्रिया करने पर लाल रंग दे देता है तो इससे आपको ये याद हो जाएगा गुड़हल का याद रखना है गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलियन को गहरा गुलाबी कर देगा और छार के विलयन को हरा कर देगा ये एग्जाम में पूछा जा चुका है तो याद रखनी रखिएगा आप कि गुड़हल के पुष्प का यदि हम सूचक के रूप में यूज़ करते हैं तो अम्ल के साथ तो गहरा गुलाबी रंग देगा वो और छार के साथ वो हरा रंग देगा इसके अलावा और भी सूचक है जिसमें से एक आ जाता है आपका प्याज प्याज सामान्यतः अम्ल के साथ तो कोई क्रिया नहीं करेगा लेकिन छार की उपस्थिति में इसकी गंध समाप्त हो जाती है जो प्याज में से स्मेल आती है वो छार की उपस्थिति में स्मेल नहीं आएगी इसके अलावा देखें लाल पत्ता गोभी लाल पत्ता गोभी का विलयन बैंगनी रंग का होता है जैसा कि आप देख रहे हो ये आपकी लाल पत्ता गोभी है इसका यदि आप सोल्यूशन बनाओगे तो वो होगा आपका बैंगनी रंग का अम्ल के साथ देगा लाल रंग और छार के साथ देगा हरा रंग तो याद रखिएगा अम्ल के साथ लाल और छार के साथ हरा तो आप इसको याद रख सकते हो इसमें रा आ रहा है तो हरा हो जाएगा इसमें ला आ रहा है तो लाल हो जाएगा सिंपल है हो गया या ट्रक भी बन गई इसी तरह से आप कर सकते हो फिनल फितिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इससे कि छाड़ के साथ तो हल्का गुलाबी रंग देगा लेकिन अम्ल डालने पर रंगहीन हो जाएगा इस बात का ध्यान रखिएगा कई बार हम उल्टा समझ लेते हैं कि अम्ल डालने पर गुलाबी रंग देगा ऐसा नहीं होता है डालोगे तो हल्का गुलाबी गुलाबी रंग हो जाएगा और उसी में जब आप अम्ल डालोगे तो वह रंगहीन हो जाता है जैसे कि ये सोल्यूशन है इसमें यदि आप ड्रॉप कर करके एसिड डालने लगोगे तो ये इस कलर में चेंज हो जाएगा यानी कि अभी इसमें बेस डाल हुआ है कह सकते हैं हम कि डाला हुआ है और इसमें आपका एसिड डाला डाला हुआ है कमेंट में सकते हैं आप। नहीं यानि कि अम्ल होगी क्रिया को उदासीनीकरण बोलते हैं नूट्रिलाग जेसन। नूट्रिलाग जेसन। नूट्रिलाग जेसन। नूट्रिलाग जेसन है। इस प्रक्रिया में क्या क्या निकलेगा ये इंपॉर्टेंट है ऊष्मा निकलती है और साथ में लवण और जल बनते हैं यह बात आपको याद रखना ऊषमा निकलेगी साथ में लवण बनेगा और जल बनेगा लवण मींस लवण मींस होता है आपका सॉल्ट ओके तो सॉल्ट बनता कैसा है एसिड एंड बेस की रिएक्शन होने से सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है वही आपका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल मींस क्या हो गया आपका हाइड्रो क्लोरिक एसिड ठीक है इनके नेम भी याद रखना अच्छा रहता है एन एच होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको हिंदी इंग्लिश में सेम ही बोलते हैं ठीक है ना बात तो ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एच टू ओ बना एच टू ओ मींस होता है वाटर एंड एन ए सी एल बना जो कि होता है हमारा सोडियम क्लोराइड ओके यहाँ पर एन एस सी एल क्या है एन ए सी एल आपका सोल्ट है एच टू ओ आपका वाटर है अच्छा अब यहाँ पर जो एक्यू लिखा हुआ एक्यू मतलब ये है इसका एक्वास सोल्यूशन कौन सा एक्वाज सोल्यूशन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जलीय विलयन यानी कि आपको डायरेक्ट एच सी एल नहीं लेना एच सी एल का जलीय विलियन लेना है एनओ एच का भी जलीय विलियन लेना है एच टू लिक्विड फॉर्म में निकलेगा और एन एच सी एल का जलीय विलियन यानी एक्वा सोल्यून मिलने वाला है तो ये हो जाती है हमारी पूरी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कोई डाउट राय कमेंट में बोलिएगा मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा अब दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण आप डेली लाइफ में उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन का किस तरह से यूज़ करते हैं उसकी तरफ चलते हैं सबसे पहले आ जाता है अपाचन अपाचन यानी कि जिसे हम बोलते हैं एसिडिटी आपने देखा होगा कि खाना ज़्यादा खाना खाने के बाद या कुछ फास्ट फूड खाने के बाद अपाचन हो जाता है एसिडिटी हो जाती है तो अमाशे में अम्ल की मात्रा अम्ल की मात्रा अधिक हो जाने पर अप, अपा का नहीं होता अपाचन हो जाता है ठीक है इसके उपचार के लिए हम दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल के रूप में लेते हैं जिससे मैग्नीज़ जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है अभी हमने देखा था प्रति अम्ल के रूप में किसका यूज किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जिसे ही हम क्या बोलते हैं दूधिया मैग्नीशियम भी बोलते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किसका यूज प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है और ये क्वेश्चन आ चुके हैं पहले मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चन रखे वहां पर देखिएगा आपको लगेगा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन चींटी का डंक चींटी के डंक चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है डंक के प्रभाव को कम करने के लिए नमी युक्त खाने का सोडा खाने का सोडा मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया एन हो गया अथवा केलेमाइन विलियन का उपयोग किया जाता है केलेमाइन में आपका जिंक होगा वैसे इतना आपको याद नहीं रखना आप सिर्फ याद रखिएगा कि केलेमाइन विलियन का यूज़ किया जाएगा और खाने के सोडो का यूज़ किया जाएगा अच्छा अब ये बर्क कैसे करते हैं बर्क कैसे कर रहे हैं हम फर्स्ट कंडीशन उठा ली हमने थोड़ा मैं पेन का कलर साइज चेंज कर लूँ बोल पे ले लेते हैं मैंने क्या करा आ, एस फर्स्ट पॉइंट उठाया एसिडिटी आपके स्टमक में क्या आया एसिड आया ठीक है आपने क्या लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है तो क्या ये दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बना देंगे सॉल्ट प्लस वाटर बना देंगे कौन सी रिएक्शन हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई ठीक है अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपका एसिड का इफेक्ट भी खत्म हो गया बेस का इफेक्ट भी खत्म हो गया तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी चींटी के डंक में भी क्या होता है चींटी ने छोड़ा भैया हमारे अंदर फार्मिक एसिड हमने उसमें मिला दिया बेस एसिड और बेस ने एक दूसरे को क्या कर दिया न्यूट्रलाइज कर दिया बस हो गया हमारा काम जो हमें चाहिए था तो यही होता है आप ये वो यूज़ करते हो ना इनका भी साइंटिफिक रीजन है कि एसिड है बेस मिला दो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा प्रॉब्लम सोल्व एसिड है बेस मिला दो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा प्रॉब्लम सोल्व तो इस तरह से इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है मृदा उपचार मृदा उपचार क्या है भाई अभी अब मृदा उपचार को देख लेते हैं कि ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों से मृदा अम्लीय हो जाती है अम्लीय मतलब एसिडिक Acid, एसिडिक हो जाती है जो आपका सॉइल uh, रहेगा उसमें यदि आप ज़्यादा फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हो तो उसकी का नेचर एसिडिक हो जाता है यदि मृदा अम्लीय या क्षारीय हो जाए तो पादपों की वृद्धि अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी यानी कि जो प्लांट्स हैं जो क्रॉप्स हैं जो फसल है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगी जब मृदा अम्लीय हो जाती है तो उसे बिना भुजा हुआ चूना या भुजा हुआ चूना डालकर उपचारित किया जाता है कुल मिलाकर ये याद रखो आपको चूना डालना है भुजा हुआ हो या फिर बिना भुजा हुआ हो यदि मृदा छारी हो ये तो हो गया अम्लीय की बात यदि छारी हो तब क्या करें मान लो उसमें बेस ज़्यादा हो गया तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं जैसे कि आपका खाद वगैरह हो गया जैविक खाद जो होती है उसे मिलाए जाते हैं जिससे ये अम्ल निकालेंगे और इससे मृदा आपकी उदासीन हो जाती है यानी कि यदि आपकी सॉइल एसिडिक हो गई तो आप उसमें क्या मिला रहे हो बेस मिला रहे हो ठीक है बेस के फॉर्म में आप क्या मिला रहे हो आप उसमें मिला रहे हो चूने उसमें आप चूना मिला रहे हो कुल मिला के ये याद रखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट मिला रहे हो और यदि बेस ज़्यादा हो गया तब तो आप उसमें एसिड मिला रहे हो अब एसिड डायरेक्ट तो मिला नहीं रहा तो एसिड की जगह आप क्या मिला रहे हो जैविक खाद मिला रहे हो क्या मिला रहे हो जैविक खाद या फिर आप जैविक पदार्थी बोल सकते हो इससे मृदा आपकी न्यूट्रलाइज हो जाएगी यानी कि उदासीन हो जाएगी और आपकी जो क्रॉप थी वो अच्छे से ग्रो करने लगेगी इससे क्वेश्चन बनकर आ जाता है एग्जाम में कि एक फार्मर है वो अपने खेत में चूना डाल रहा है या फिर बिना बुझा हुआ चूने का छिड़काव कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है तो वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्यों उसकी उसकी मृदा अम्लीय हो गई है उसमें एसिड ज़्यादा हो गया इसलिए अब वो बेस डाल के उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट आता है एसिडिक रेन ये पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है एसिडिक रेन में आपको बेसिकली बता देता हूँ होता ये है कि आप यहाँ देख रहा हो कारखानों से एसिड टू निकल रहा है एनो टू निकल रहा है और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलना था चलिए कोई बात नहीं नहीं निकल रहा तो देख लो कि आपका एसिड टू निकला ए मिला वाटर के साथ ए सी के साथ मिलने के मिलकर क्या बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा एच टू एस फोर फिर आपका निकला एन ओ टू एन ओ टू के साथ रिएक्ट करा और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया इसने एच एन ओ थ्री बना दिया सेम आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये आपका वाटर के साथ मिलता है और ये आपका बना देता है एच ठीक है ये तीनों ही क्या है एसिड है और जब इन ये तीनों वाटर के साथ नीचे आते हैं तो उससे ही हम एसिडिक रेन बोलते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसे बरसा के जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं इससे बरसा का पानी अम्लीय हो जाता है यानी एसिडिक हो जाता है इसे ही हम अम्लीय बरसा कहते हैं इसे आप क्या बोलोगे अम्लीय वर्षा बोलोगे नुकसान किस किस को होगा भवनों को होगा ऐतिहासिक इमारतों को होगा पौधे जंतु यानी कि जितने भी लिविंग्स हैं नॉन लिविंग्स हैं सभी को इससे नुकसान होगा ताजमहल का क्वेश्चन आ जाता है कि ताजमहल की इमारतों को किससे नुकसान पहुंच रहा है या ताजमहल का जो संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है उसका धीरे धीरे से क्षरण हो रहा है वो पीला पड़ रहा है किस वजह से पॉल्यूशन की वजह से तो ये बात आपको याद रखना है आगे बढ़ जाते हैं अच्छा तो ये हुई हमारे यहाँ तक की बात अब आ गए हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बनकर आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन ये आपका आया था ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कराए ना वहाँ से क्वेश्चन उठाए तो आप प्रीवियस ईयर जाके भी देख सकते हैं प्ले बनी हुई है सारे प्रीवियस ईयर कराए मैंने एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने तो एक दवाई देता है तो इस दवाई में मुख्य घटक कौन सा होगा मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं देगा कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं देता सोडियम कार्बोनेट भी नहीं देता वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देता है कार्बोनेट की जगह यहाँ पर लिखा होता है सोडियम बाई कार्बोनेट तो वो सही हो जाता है लेकिन सोडियम कार्बोनेट का यूज़ नहीं किया जाता किसका किया जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है और एक आपको पता ही है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाला जिसे हम दूधिया मैग्नीशियम बोलते हैं आगे पढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलियनों के अम्लीय छारके या उदासीन प्रकृति का निर्धारण करने के लिए एक विद्यार्थी परीक्षण के बाद निम्न लिखित सारणी बनाता है अब ये सारणी पढ़ने से पहले हम कुछ बातें यहाँ पे लिख लेते हैं कि अम्ल क्या करेगा अम्ल करेगा नीले को लाल आपका छार क्या करेगा छार करेगा लाल लिटमस को नीला ठीक है अब पढ़ते हैं सबसे पहले लिया एच सी एन होता है हमारा एक टाइप का सॉल्ट लाल लिटमस पे कोई परिवर्तन नहीं बिल्कुल सही बात है नीले लिटमस के साथ कोई परिवर्तन नहीं गलत बात अम्लीय नहीं है ये होता है आपका उदासीन तो फर्स्ट तो आपका रोंग हो गया चूने का पानी लाल लिटमस को नीले में परिवर्तन कर देगा चूने का पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या hmm. होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका छार तो ये लाल के साथ तो कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा नीले को कर देता लाल और ये क्या होता है आपका छार होता तो इसका ये वाला पॉइंट भी गलत है सिरका ये होता है आपका एसिड अब लाल लिटमस के साथ कोई परिवर्तन नहीं कर जबकि हाँ बात सही है लाल लिटमस पर रंग में कोई परिवर्तन नहीं करेगा एक मिनट यहाँ पर ये यह जो बात लिखी थी चूने के पानी लाल लिटमस पत्र में रंग परिवर्तन कर देता है बिल्कुल सही लिखी थी ये वाली बात ये वाली बात गलत थी क्योंकि ये लाल को में परिवर्तन कर देगा और ये वाली बात ही बिल्कुल सही थी एन के लिए भी ठीक है हाँ सिरका देखते हैं लाल के साथ कोई परिवर्तन नहीं नीले के साथ कोई परिवर्तन नहीं गलत बात ये बात भी ये बात ठीक थी ये बात थी गलत उदासीन होगा गलत बात है ये उदासीन नहीं होगा ये आपका एसिड होता है यानी कि अम्लीय होता है इसके बाद नेक्स्ट है कपड़े धोने का सोडा कपड़े धोने का सोडा यानी कि वाशिंग सोडा लाल लिटमा को नीला कर देगा सही बात है अम्ले के साथ कोई सॉरी नीले लिटमा के साथ कोई चेंज नहीं करेगा बिल्कुल सही बात है छारकीय होता है बेस होता है बिल्कुल सही बात है तो ओनली डी वाला सही था बाकी ये तीनों थे आपके गलत कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिएगा मैं देख लूँगा उसको आगे बढ़ जाते हैं बाकी मैंने यहाँ पर शो कर ही दिया कि कौन सा कैसे क्या करेगा तो आप देख लेना नेक्स्ट की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि निम्न में से दिए गए ऑक्साइडों में से किसका वलियर नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा नीले लिटमस को लाल कौन से करेगा कॉपर ऑक्साइड कॉपर डाइऑक्साइड आयरन डाइऑक्साइड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड अच्छा यदि ध्यान से देखें तो ये तीनों तो होगा हो आपके मेटल और ये अकेला इकलौता हो गया आपका नॉन मेटल हमने ये पढ़ा था कि मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं मेटल के ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक ये होते हैं बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं ये होते हैं एसिडिक ये होंगे एसिडिक इन नेचर ठीक है ना बात तो आपका कौन सा नीले कुलाल करेगा जिसका नेचर एसिडिक होगा एसिडिक किसका होता है नॉन मेटल का होता है ये बात आपको याद रखना शायद लास्ट वीडियो में डिस्कस करा हो करा है मैंने इसके बारे में डिटेल में आगे देख लेते हैं नेक्स्ट किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है उसके पास हल्दी का भैया पेस्ट है अब इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर वह किन किन रंगों का प्रदर्शन करेगा हल्दी का गाढ़ा पेस्ट किस में डाल रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल रहा है किसको हल्दी को हमने क्या पढ़ा था हल्दी सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, के साथ रिएक्शन नहीं करेगी लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन सा कलर देगी लाल रंग देगी यानी छार के साथ लाल कलर देती है तो दोनों प्रकरण में पीला गलत बात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल बिल्कुल सही बात है गुलाबी तो देगी नहीं नीला मीला कुछ नहीं देती तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला ही रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में हो जाएगा लाल आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास तीन परख नीलियाँ ए बी सी में फिनॉल फ्तेलिन विलियन है परखनली ए में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ए में उन्होंने क्या डाला एच सी एल डाला बी में क्या डाला उन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एन ए ओ एच डाला और सी में उन्होंने डाला डिस्टिल्ड वाटर ठीक है डिस्टिल्ड वाटर डिस्टिल्ड वाटर मतलब ना तो ये अम्ल है और ना ही ये है चलो इससे मुझे एक बात और याद आएगी पी एच स्केल के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा तो अब क्या कर रहे हैं वो दो दो बूंदे प्रत्येक परख नली में डालेंगे तुरंत पश्चात यदि आप प्रत्येक परख नली के बिलियन का रंग प्रेक्षण करें तो आप ये पाएंगे कि इन परक नलियों के बिलियनों में बिलियनों के रंग किस प्रकार है हमें पता है इसके साथ तो ये देगा गुलाबी तो आप ये देख लो भाई एन के साथ यानी बी में गुलाबी कहाँ पर है बी में गुलाबी इसमें है और एक लास्ट वाले में है ठीक है ना बात और डिस्टिल्ड वाटर के साथ क्या रहेगा रंगहीन रहेगा तो सी में रंगहीन यहाँ पर ए में भी रंगहीन रहेगा ऑप्शन नंबर ए आपका right राइट आंसर रहेगा फी का हरा वगैरह का तो कुछ काम होता ही नहीं है इसमें ये आपका सिर्फ बेस के साथ गुलाबी देता है बाकी एसिड में भी रंगहीन रहेगा और आपका डिस्टिल्ड वाटर में भी रंगहीन रहेगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ जाते हैं टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल किस में मिलेगा कच्चे आमों में मिलेगा और अंगूर में मिलेगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा सी एंड डी अब मैं जो आपको पी स्केल के बारे में बताने वाला था तो वो पी स्केल बता देता हूँ एक मिनट यहाँ से न्यू स्लाइड देख लू मैं कुछ न्यू स्लाइड का ऑप्शन यहां पर होगा आई थिंक मे बी हाँ हल्दी का पेस्ट है बी में फिनोल है इन दोनों परख नली में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर पदार्थ का रंग प्रतीक होगा हल्दी का पेस्ट कैसा रहेगा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि एच एसिड डालने पर पीला ही रहेगा फिनोल फेथेलिन विलयन का कैसा रहेगा रंगहीन ही नहीं रहेगा बस आप देख लो ए में पीला बी में गुलाबी गलत बात ए में पीला बी में रंगीन बिल्कुल सही बात दोनों में ही लाल रंग दिखाई देगा ए लाल दिखाई देगा बी रंगीन दिखाई देगा ऑप्शन से नंबर सेकंड आपका आंसर सही हो जाएगा आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मे भी क्वेश्चन सारे रंग हो गए हैं सारी स्लाइड्स हो गई हैं कंप्लीट में चेक कर लेता हूँ आई थिंक एक दो और होना चाहिए था हाँ एक और स्लाइड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एम जी एच ओ एच का होल्टो एस का उपयोग किसके रूप में किया जाता है ऑक्सीकारक अपचाईकारक प्रतिम्ब या फिर किडमन तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रतिम्ब्ल एंटी एसिड के रूप में किया जाता तो है जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है या फिर आपकी बॉडी में एसिड की क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाती है आगे बढ़ते हैं चलिए ये हमारे हो जाते हैं क्वेश्चन कंप्लीट वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यह था आज हमारा पार्ट टू पार्ट थ्री आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है वीडियो को शेयर करते रहिएगा बस ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुँच जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो साथ में मैथ्स भी आने वाला है एंड पेडागोजी भी आने वाला है तो हमारे साथ सभी बच्चे जुड़े रहे और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद